हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। दिस इज अजय शर्मा एंड बच्चा पार्टी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th का, एंड द चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करिएगा विज्ञानपुर, ओके। एंड विज्ञानपुर पे जाके आप जब सर्च करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है एक सेक्शन मिलेगा आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ नाम से। तो वहाँ पर जो है आपको सभी के सभी चैप्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ओके। सो सभी बच्चे उन चैप्टर्स को करिएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, एंड आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो यू विल गेट ए नोटिफिकेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो बच्चों, भी चैप्टर तो हम तभी स्टार्ट करेंगे जब हमें पता होगा कि चैप्टर का मतलब क्या है। ये क्या लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज दिस। सो बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्री। ये जो है वो आपका 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्री। नाउ ट्राई का मतलब सब लोग जानते हैं, ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स, एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। That means in trigonometry we are going to study about the measurement of three sides. And बच्चों, हमने पढ़ा है triangle. We have discussed right angle triangle before. हमें right angle triangle के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है. So in trigonometry जिस triangle के बारे में हम लोग बात करेंगे वो हमारा होगा right angle triangle. हम यहाँ पर केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन the sides of a triangle with acute angle of triangle। क्या समझे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मेरा मैथ्स का वो एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विद एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल। देखिए बच्चों, ये एंगल क्या है मेरा, 90 डिग्री का है, ओके। सो ये दोनों जो आपके एंगल्स हैं वो क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल ही होंगे। ये दोनों एंगल्स जो आपके रिमेनिंग है वो एंगल्स क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल ही होंगे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, इन एंगल्स एंड इन साइड्स के बीच का हम लोग रिलेशन जानेंगे कि किस टाइप से ये जो आपकी साइड जो है वो इस एंगल के साथ रिलेटेड है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, ओके। सो ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विद द एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल, ओके, और यू कैन सिंपली से विद द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट बच्चा पार्टी, कि वाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री। हमने पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, बट हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहां आएगा, इसका एप्लीकेशन कहां पर है ट्रिग्नोमेट्री का, ओके। तो चलिए, सो इसका एप्लीकेशन कहां है ट्रिग्नोमेट्री का। सपोज करिए बच्चों कि आप लोग कहीं घूमने गए, ओके,
और आपने क्या किया, आपने जो है एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी वहाँ पर, बड़ी सी बिल्डिंग देखी आपने, ओके, और आप इस बिल्डिंग के जो है वो यहाँ खड़े हैं, ओके, ये आपने एक बड़ा सा बिल्डिंग देखा यहाँ पर, एंड ये जो है वो आपकी पोजिशन इधर सी पर। सो बच्चों अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बड़ी सी बिल्डिंग की जो है वो हाइट को मेज़र करना है, मुझे इस बड़ी सी बिल्डिंग की जो हाइट है उसको मेज़र करना है। तो मैं कैसे करूँगा इसको मेज़र, मैं ये तो नहीं कर सकता कि यहाँ से जो है, यहाँ से मैं एक टेप लेके जाऊँगा एंड छत से यहाँ पे ऐसे मेज़र कर लूँगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो है मैं ये वाली साइड मेजर कर सकता हूँ ना, मैं ये वाली साइड मेजर कर सकता हूँ, बिकॉज ये तो ग्राउंड पे है, एंड ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके, तो कंप्लीट ये जो है वो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। तो इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से जो है ये वाली हाइट को मेजर कर लूँगा। तो इसका एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन क्या है कि हमें यहाँ पर ट्रायंगल की किसी साइड को फाइंड करना है, हमें यहाँ पर ट्रायंगल किसी साइड को मेजर करना है, ओके, समझ गए। अगर मुझे किसी हाइट ऑफ बिल्डिंग का जो मुझे हाइट है उसको मेजर करना है, या फिर सपोज करिए कि यहाँ पर जो है आपका घर है, ओके, घर के सामने इधर रिवर है, ओके, और इस पॉइंट पे आपको ये मेजर करना है कि रिवर का विड्थ क्या है, इस रिवर का विड्थ क्या है। तो बच्चों वहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट को, हम यहाँ भी यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को। व्हाई, बिकॉज ये एंगल मेरा कितने का है, 90 का है, ओके, सो ये मुझे पता है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, बिकॉज आप जहाँ पे खड़े हो उस हाइट को तो आप जानते होंगे, ओके, सो वहाँ से जो है वो आप ये विड्थ जो है वो मेजर कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रायंगल की कोई एक साइड पता हो एंड कोई एक अगर आपको एंगल पता हो, सो डियर स्टूडेंट्स आप उस ट्रायंगल की बाकी सभी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं, आप जो है उस ट्रायंगल की बाकी सभी साइड्स को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है मेरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे, सो आपको जो है ये इसका एप्लीकेशन जो है वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ भी हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ओके। सो बच्चों ये था आपका कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। अब हम जानेंगे कि इसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो माई डियर बच्चा पार्टी, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बिकॉज ये आपका क्लास 10th है एंड चैप्टर का नाम ही क्या, इंट्रोडक्शन, तो हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ना पढ़ के बहुत कम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पहला जो टॉपिक आने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। हम यहाँ पर जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, ओके, उसके बाद हम जानेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम एंगल्स, एंड लास्ट में हम कुछ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड बच्चों ऐसे जो है वो हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, ओके। सो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। सो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड एंगल्स, हम एंगल और साइड ऑफ ए ट्राइंगल के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। सो बच्चा पढ़िए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, देखिए जरा
the ratios involving the sides of the triangle, the ratios involving the sides of the triangle with acute angle, of the triangle are known as trigonometric ratios. सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है, ये हमारे कुछ रेशियोज होते हैं, जो हमें रिलेशनशिप दे देता है, रिलेशनशिप देगा किनके बीच का, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एंगल के बीच में हमें कुछ रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है. सो दीज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विद द एंगल ऑफ दोज ट्रायंगल्स. ओके, आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो बच्चों ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है. ओके, ये हमने इसका डेफिनेशन पढ़ लिया, जो इतना जरूरी नहीं था. ओके, तो इस चैप्टर का जो है, आपका अच्छे से जो आपको करना है वो इस यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, इसके बाद जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो सब का सब क्या है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करें फिर. सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. तो ये एबीसी जो ट्रायंगल है वो कैसा है, मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. माय डियर स्टूडेंट्स, एबीसी ट्रायंगल कैसा है, मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है विद एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर. नाउ ये वाला जो एंगल है, एंगल सी जो है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, एक्यूट एंगल मान रहा हूं. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो साइड आपका 90 डिग्री के ऑपोजिट है, 90 डिग्री का एंगल ये है मेरा, यस. नाउ इसके ऑपोजिट साइड कौन सा है मेरा, ये वाला साइड है ना एसी, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस. क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हाइपोटेनस, वी कॉल इट हाइपोटेनस. इज दैट क्लियर. क्या होता है हाइपोटेनस, जो भी मेरा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस. एंड दिस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, दिस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल. क्लियर. नेक्स्ट, जिस एंगल को आपने एक्यूट एंगल कंसीडर किया है, कर रहे हो, उसकी ऑपोजिट साइड ये हो जाएगी, दैट मीन्स ए बी हो जाएगी इसकी ऑपोजिट साइड. सो बच्चों हम इस ए बी को क्या बोलेंगे, साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल. इसको हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल. एंड यहां पे आपने एक्यूट एंगल क्या माना है, सी माना है. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट, अब एक साइड और बच गई मेरी, कौन सी, बीसी साइड बच गई. ओके, सो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला मेरा हाइपोटेनस. ओके, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट वाला मेरा साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल. एंड जिस साइड के ऊपर आपका एक्यूट एंगल है, बच्चा बाड़ी, उसको हम लोग बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, सी. इज दैट क्लियर. क्या आपको ये तीनों टर्म समझ आई, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, दिस इज योर साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल सी, नाउ साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल सी. ओके, क्लियर. नाउ
इस हाइपोटेनस को जो है बच्चों हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इस हाइपोटेनस को जो है वो हम लोग एच से शो करेंगे। नाउ ये जो साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल है इसको बच्चा पार्टी हम बेस बोलना स्टार्ट कर देंगे एंड वी विल रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल बी। क्लियर? नाउ ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे फिर परपेंडिकुलर एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड आप यहां तक इसको नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। देखिए सिंपली अपने को देखिए, कोई ट्रायंगल है ये, लेट सपोज ये आपको क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो बच्चों इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके एंड जिस साइड के ऊपर आपका एंगल बना हुआ है उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं बेस बोल दूंगा। ओके नाउ जो तीसरा साइड जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो हमारा फिर क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ एक बात ध्यान से देखिएगा कि अगर एक्यूट एंगल मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, व्हाट आई एम डूइंग, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार जो मैं इस ए को जो है वो एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहा हूं, मैं इसको मान रहा हूं, तो बच्चों हाइपोटेनस क्या बनेगा फिर, मैं देखिए हाइपोटेनस इज ऑलवेज क्या 90 के ऑपोजिट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। नाउ इस बार आपका जो एक्यूट एंगल है वो किस साइड के ऊपर है, ए बी साइड के ऊपर है, तो इस ए बी को बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे, साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल ए बोल देंगे, या फिर हम इसको बेस बोलेंगे भी, जिसके ऊपर मेरा एंगल है उसको हम बेस बोलते हैं। नाउ लुक एट दिस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका BC साइड जो है वो क्या है, ये इसके ऑपोजिट है, सो इसको हम बोलेंगे क्या, साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल ए, या फिर हम इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे। सो आप यहां पर क्या समझे कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूट एंगल विच यू आर कंसिडरिंग दीज टू विल ऑल्सो वेरी, ये आपका वेरी होगा अकॉर्डिंग टू आप जो है वो किसको जो है वो एक्यूट एंगल मान रहे हैं। ओके सो 90 के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है बोलो, 90 के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। नाउ जहां पर मेरा एंगल है, जिस साइड के ऊपर मेरा एक्यूट एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। एंड जो तीसरा साइड जो मेरा बच गया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल बोलते हैं। सबको क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू स्टडी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें यहां पर जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं, हमें स्टडी करने हैं। ओके तो लेट्स सी देम वन बाय वन। सो मैंने एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, लेट्स से दिस इज योर ए बी एंड सी, आपका ये ऐसे हो जाएगा, और इस ए को जो है मैं क्या मान रहा हूं, एक्यूट एंगल मान रहा हूं। ओके तो देखिए ये आपके लिए नया है, पहले हम इसको स्टडी करेंगे, देन मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे है जो है आप बहुत आसानी से इस सभी को आप याद कर पाएंगे। ओके तो लेट्स सी, तो बच्चा पार्टी जो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन ऑफ एंगल ए। ओके सो साइन ऑफ एंगल ए, सो ये हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए,
एंड इसको हम क्या बोल देंगे, साइड एडजेसेंट टू, एडजेसेंट टू एंगल ए. ओके, एक्यूट एंगल ए. सो डियर स्टूडेंट, साइन ऑफ एंगल ए, सो मैंने पहले भी आपको बताया क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व्स क्या, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो यहाँ पे जो है वो रेशियो आने वाला है मेरा किसका, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो आने वाला है. एंड ये क्या आता है जरा देख लीजिएगा, हाइपोटेनस डिवाइड में हम हाइपोटेनस लिखेंगे. एंड यहाँ पर जो है वो मेरा क्या आता है, यहाँ पर मेरा आता है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल ए, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल ए. ओके, आपको टेंशन नहीं लेना, केवल और केवल एक बार आप इसको देखिए, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा. ना, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल ए क्या है, ये आपका BC है. सो दिस इज BC अपॉन हाइपोटेनस इज डियर स्टूडेंट्स AC. ओके, नाउ द सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको जो है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, साइड, इट इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. एंड बच्चा बाड़ी यहां पर ये क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए सी बन जाएगा, ए बी अपॉन ए सी बन जाएगा. ओके, तो ये आपके दो रेशियो हो गए, ये आपके दो रेशियो हो गए. नाउ द थर्ड रेशियो इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए, थर्ड रेशियो इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए. सो दिस रेशियो इज डिफाइंड बाय साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. एंड ये हमारा क्या बन जाएगा फिर देखिए बच्चों, बी सी अपॉन ए बी बन जाएगा, दिस विल बी बी सी अपॉन ए बी. सो ये आपके जो है वो तीन रेशियो हो चुके हैं. नाउ नेक्स्ट होता है हमारा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए. सो डियर स्टूडेंट्स, कोटेंजेंट जो आपका रेशियो जो होता है वो टेंजेंट का क्या होता है, उल्टा होता है. टेंजेंट का ये जो है वो क्या होगा आपका, रेसिप्रोकल होगा. सो दिस इज वन अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए, दिस इज वन अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा देखिए, इसका रेसिप्रोकल. सो देखिए, जो आपका जो पहले न्यूमरेटर था वो अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो दिस इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए. ओके, दिस इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ए. तो यहां पर ये बन जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी. क्या आपको ये दिख रहा है, ए बी अपॉन बी सी. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव स्टडीड फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चार हम लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारा रेशियो कौन सा होता है, नेक्स्ट हमारा रेशियो होता है सीकेंट ऑफ एंगल ए, नेक्स्ट इज सीकेंट ऑफ एंगल ए. देखिए, साइन, फिर कोस, फिर आपका टेन, फिर आपका कोटेंजेंट. ओके, साइन कोसाइन, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, फिर हम सीकेंट पढ़ेंगे. एंड लास्ट हमारा होता है फिर कोसीकेंट. ये छह आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. तो सीकेंट ऑफ एंगल ए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ए,
ये साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, साइन ऑफ एंगल ए का ये रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल बोले तो हाइपोटेनस जो है वो हमारा ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल ए। ओके, इसका रेसिप्रोकल यही बनेगा। नाउ हाइपोटेनस इज व्हाट? एसी डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, दिस इज योर बीसी। तो ये हमारा फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। नाउ द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज, सॉरी दिस इज योर कोसेकेंट ऑफ एंगल। ओके, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। लास्ट वन इज सेकेंट ऑफ एंगल ए। सेकेंट जो होता है वो बच्चों मेरा कोसाइन का उल्टा होता है, कोसाइन का ये मेरा रेसिप्रोकल होगा। योर सेकेंट ऑफ एंगल ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। सो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ओके, सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। सो बच्चों ये जो छह जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हम लोग यही सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। ओके, सो आप इन सबको नोट करिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि केवल आप इसको एक बार देख लीजिएगा, हमें ये याद नहीं करना। याद करने के लिए मैं आपको दूसरा एक मेथड बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप सभी को याद कर लीजिएगा। सो वी हैव सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट? साइन ऑफ एंगल ए। अब देखो बच्चों, ये साइन ऑफ एंगल ए है, ये बहुत बड़ा है, तो इसको जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस आई एन ऑफ ए। ओके, साइन ऑफ एंगल ए, रीड करेंगे इसको साइन ऑफ एंगल ए, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देंगे साइन ए। क्लियर? ऐसे ही सेकंड जो हमारा कोसाइन ऑफ एंगल ए है, इसको हम लिखेंगे सिंपली कोस ए। क्या लिखेंगे हम इसको? कोस ए लिखेंगे। नाउ द थर्ड वन इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो बच्चा पार्टी, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे टेन ए। क्या लिखेंगे हम इसको? टेन ए जो है वो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। फोर्थ वन इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे कोट ए। क्लियर? कोट ए। भी साइन को हम साइन लिखेंगे, फिर कोसाइन को जो हम लोग कोस लिखेंगे, टेंजेंट को जो हम लोग टेन लिखेंगे, कोटेंजेंट को जो हम लोग कोट लिखेंगे। फिफ्थ हमारा क्या बच गया? सीकेंट बोला था हमने, सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लिखेंगे सेक ए। क्या लिखेंगे हम इसको? सेक ए लिखेंगे। एंड द लास्ट वन इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, और इसको हम लिखेंगे कोसेक ए, कोसेक ए। तो जल्दी से आप इन सबको याद करिए कि साइन को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, कोसाइन को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा। तो साइन को हम लिखते हैं साइन ए, कोसाइन को हम लिखेंगे कोस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लिखेंगे टेन ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लिखेंगे कोट ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए को हम लिखेंगे सेक ए, एंड कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को हम लिखेंगे कोसेक ए। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इनको जो है आगे यूज करेंगे। ओके, हम इनको पूरा नहीं लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए हम ऐसे नहीं लिखेंगे कहीं भी, वी विल सिंपली राइट टेन ए। ओके, सो दीज आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड ये सब जो हैं उनके एब्रीविएशंस हो गए, एब्रीविएशंस बोले तो शॉर्ट फॉर्म हो गई। ओके, नाउ अब बच्ची, अब क्या बच्चा अपना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है इनको लर्न कैसे करेंगे, इजंट इट?
आई टोल्ड यू मैं आपको इनको याद करना सिखाऊंगा, मैं जो है अब इनको याद करना सिखाऊंगा कोसेक ऑफ ए। तो देखिए याद करने के लिए हमें केवल एक सिंपल सा एक टेबल याद करना है बच्चों, एंड वो टेबल क्या है देखिएगा, ये भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, ओके, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या याद करेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके सबको याद हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके तो आप जो है इस टेबल को याद करेंगे। अब इसके ऊपर आप यहाँ याद करिए कि ये जो है वो मेरा साइन होगा, ये मेरा कोस होगा, ये मेरा टैन होगा, ये मेरा कोट होगा, ये मेरा सेक होगा और ये मेरा कोसेक होगा। क्या आप मेरे लिए ये इतना सा टेबल याद कर सकते हैं क्या? जल्दी से क्विकली लर्न दिस टेबल। क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। ओके जिस ऑर्डर में हमने रेशियोस लिखे हैं उसी ऑर्डर में है, साइन कोस टैन कोट सेक एंड कोसेक, साइन कोस टैन कोट सेक एंड कोसेक। ओके क्या सबको याद हो गया ये? यस। चलिए नाउ साइन ऑफ ए। तो बच्चों अगर मुझे साइन ऑफ ए लिखना है, साइन ऑफ ए साइन लिखना है अगर मुझे, तो साइन क्या होता है? साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर, पी बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन को कैसे याद करोगे आप? दिस इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर तो इस साइन ऑफ ए, अगर मैं एंगल ए को एक्यूट लेता हूं तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा ना, ये डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मेरा ए सी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों बी सी अपॉन ए सी। नाउ अगर आप चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके आप इसको लिख सकते हैं ऐसे चाहो तो। ना सेकंड क्या है मेरा? कोस। तो बच्चा बाटी कोस क्या है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस क्या होगा? बेस यहां पर हो जाएगा मेरा ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा ए सी। ओके भी जिस पर आपका एंगल बन रहा है तो बेस क्या होगा मेरा? जिस पर एंगल बन रहा है वो साइड मेरा बेस होती है, तो ए बी यहाँ पर बेस हो जाएगा। ओके ना ए बी को आप और क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये आप इसको फिर से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टेन। तो टेन क्या है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी डिवाइडेड बाय बेस हमारा हो जाएगा ए बी। अब बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी क्या है मेरा? साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ओके सो जो मैंने आपको पहले जो आपको टेबल लिखवाई थी है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली, आप उसको जो है इनडायरेक्टली याद कर रहे हैं। ओके आप इसको अगर याद कर लेंगे तो आपको वो वाली टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। नाउ ऐसे ही कोट क्या होता है? कोट क्या है बच्चों? यहाँ पे कोट है तो इसका रेशियो क्या बनेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेशियो बन जाएगा। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बच्चा बाडी बेस क्या है मेरा? ए बी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर मेरा क्या है? बी सी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेक। तो यहाँ से सेक किसके इक्वल हो रहा है? एच अपॉन बी, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? ए सी डिवाइडेड बाय बेस क्या है इधर? ए बी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कोसेक। तो कोसेक इज वोट एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ओके तो एच इज वोट एच फोर ए सी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या है इसका? बी सी।
ओके अब आप इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, एसी को क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एबी, क्या है मेरा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। सो डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली जो है वो आपने वो पहले वाली टेबल जो है वो लर्न कर ली। सो यू हैव टू लर्न ओनली दिस साइन कॉस टेन कोट सेक एंड कोसेक, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके प्रैक्टिस के साथ जो है वो आपको ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल को जो है वो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि जो मेरा कोट होता है, कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो आप यहाँ से एक इस रिजल्ट को भी याद करेंगे। कोट जो होता है वो मेरा टेन का रेसिप्रोकल होता है, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि टेन भी जो है वो मेरा कोट का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली कोसेक जो है वो मेरा साइन का रेसिप्रोकल है, या फिर साइन जो है वो मेरा कोसेक का रेसिप्रोकल है। ओके बच्चों, सिमिलरली सेक जो है वो मेरा कोस का रेसिप्रोकल है, और यू कैन से कोस ऑफ ए जो है वो मेरा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक ऑफ ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके सो आप जो है इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर। पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए टेन ऑफ ए, टेन ए का रेशियो क्या था, टेबल याद होगी ना सबको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वहां से सोचिए, इमेजिन करिए कि टेन ए मेरा किसके इक्वल था, टेन ए मेरा इक्वल था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, इधर बीसी है, डिवाइडेड बाय बीसी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है यहां पर, ए बी है। ओके अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर कि मैं इसको भी एसी से डिवाइड कर रहा हूं, एंड इसको भी मैं एसी से डिवाइड कर रहा हूं, कर सकता हूं ना भी, एसी से एसी आपका कट जाएगा, कर सकते हैं ना। ये क्या बन रहा है, देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन रहा है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है मेरा, बी सी मेरा क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा हाइपोटेनस। सो बी सी अपॉन ए सी दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी पी बी एच एच, तो परपेंडिकुलर पी अपॉन एच क्या होता है मेरा, साइन होता है। सो बच्चों ये मेरा क्या बन गया, साइन ए बन गया, एंड ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है मेरा बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है मेरा कोस होता है। सो बच्चा बाड़ी मेरे पास यहां से एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आ गया कि tan of a is equal to sin a upon cos a, remember this result, कि tan a जो है वो हमारा हो जाएगा equal sin a upon cos a के, tan a is equal to sin a upon cos a, tan a equals to sin upon cos, tan equals to sin upon cos। now cot क्या होता है, अरे cot तो सर tan का reciprocal होता है हम लोग जानते हैं, तो बच्चा इसका रेसिप्रोकल क्या, मैं इसको लिख दूं कोस ए अपॉन साइन ए। सो इसको जो है वो आप ध्यान रखिएगा। ओके सो आपको अब तक जो है क्या याद करना है, एक तो आपको ये वाला याद करना है, फिर क्या याद करोगे, कोट जो होता है वो मेरा टेन का रेसिप्रोकल, कोसेक जो होता है वो मेरा साइन का रेसिप्रोकल, एंड सेक जो होता है वो मेरा कोस का रेसिप्रोकल, टेन मेरा इक्वल होता है साइन अपॉन कोस के, कोट मेरा इक्वल होता है कोस अपॉन साइन के। ओके
सो दीज वर द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बताइए कि अगर मैं इस सी को एक्यूट एंगल मानता हूं, बोलो, अगर मैं इस सी को एक्यूट एंगल मानता हूं तो क्या मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा? होगा चेंज. अगर मैं सी को एक्यूट एंगल मानता हूं तो मेरा परपेंडिकुलर एंड बेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो जिसके ऊपर आपका एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बेस, या फिर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. एंड उसके ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, या फिर हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर पी. नाउ माय बच्चा पार्टी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साइन सी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? साइन सी. सो हम लोग कुछ दिन यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. ये भाई साहब साइन होता है, ये कोस, ये टेन का उल्टा कोट, ये कोस का उल्टा सेक, और ये जो है वो कोसेक. नाउ साइन जो है वो रेशियो किसके इक्वल होता है? मेरा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. नाउ परपेंडिकुलर क्या है? ए बी मेरा परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मेरा क्या है? ए सी है. ऐसे ही क्या आप कोस सी लिख पाएंगे? नाउ कोस क्या होता है? मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस. अब बच्चों बेस मेरा क्या बन गया? इस बार बेस मेरा बी सी बन गया, हाइपोटेनस मेरा ए सी. ऐसे ही क्या आप टेन सी लिख पाएंगे? यस, टेन सी मैं लिख सकता हूँ. यस बच्चों, टेन सी क्या हो जाएगा? मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ए बी डिवाइडेड बाय बेस क्या है मेरा? बी सी. तो क्या आप ऐसे बाकी के तीन भी रेशियो लिख सकते हैं? ओके, सो इसमें कुछ नया नहीं था. यू ओनली हैव टू रिमेंबर दिस टेबल. पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक. यू ओनली हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ कुछ हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर. देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन ऑफ ए इसका मतलब है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए. ये आपका प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज. ये आपका साइन ए लिखा हुआ है, इट मीन्स साइन ऑफ एंगल ए. साइन ए का मतलब है साइन ऑफ एंगल ए, इट डज नॉट मीन प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एंगल ए. इट डज नॉट मीन दिस इज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एंगल ए. ओके, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है. क्लियर हो गया, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है. सिमिलरली कोस ऑफ ए, कोस ए अगर मैं लिखता हूं तो इट डज नॉट मीन दिस इज प्रोडक्ट ऑफ कोस एंड ए, ये प्रोडक्ट नहीं है. ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर कहीं मैं लिखता हूं साइन, दिस इज कंप्लीटली सिट. अकेला साइन का मतलब कहीं नहीं है, अकेला साइन आपका आ ही नहीं सकता. साइन के साथ में कुछ आपका एंगल जरूर आएगा. साइन दिस कंप्लीटली, साइन कोस टेन, ये सब कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते. ऑल दीज आर बुलसेट. ओके, इनका अकेले जो है वो कहीं भी कोई मतलब नहीं है. ओके, सो हमेशा रेशियो के साथ में जो है वो आपका एंगल जरूर आएगा, एंगल जो है वो आपका जरूर आएगा. तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऐसे बाकी सब के लिए भी यूज होगा है ना, वो मैं सारे नहीं बता रहा हूं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ आई एम राइटिंग साइन ऑफ ए का स्क्वायर,
साइन ऑफ ए का स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली साइन स्क्वायर ए। ओके, अगर मैंने लिखा है कोस ए का क्यूब तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस क्यूब ए। ओके, ऐसे ही बाकी सारे भी, कि इफ़ यू आर राइटिंग टेन ऑफ ए का स्क्वायर देन इट इज़ टेन स्क्वायर ए। अगर आप लिखते हैं कोट ऑफ ए का होल स्क्वायर देन दैट इज कोट स्क्वायर ए। ओके, तो ऐसे जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, आई होप सबको ये बात जो है वो समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, देखिए टेन क्या होता है और कोट क्या होता है आपका। कोट इज वन अपॉन टेन ए, कोट इज वन अपॉन टेन ए। सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन ए का इनवर्स बोल सकता हूँ। यस, कोट ऑफ ए इक्वल्स टू वन अपॉन टेन ए इक्वल्स टू टेन ए का होल इनवर्स। एंड क्या मैं इसको टेन इनवर्स ए बोल सकता हूँ? अरे नहीं बोल सकते, ये आपका ऐसे नहीं बनेगा। ओके, ध्यान रखना इस बात का कि कोट ऑफ ए का जो है उसको आप टेन इनवर्स ए ऐसे नहीं बोल सकते। ये अलग आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है जिसको आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे। ओके, तो इसको जो है मैं ऐसे नहीं लिख सकता। सिमिलरली साइन ए का होल इनवर्स जो है इसको भी मैं साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकता। याद रखना, कोस ऑफ ए का होल इनवर्स जो है इसको भी बच्चों में कोस इनवर्स ए नहीं लिख सकता। इज दैट क्लियर? क्या सबको यहाँ तक समझ आ गया? सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स जिनको हम याद रखेंगे। क्लियर, चलिए इतना नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कि देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ साइन ए इक्वल्स टू वन बाई थ्री, साइन ए इक्वल्स टू वन बाई थ्री, देन मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइन करने हैं। सो देखिए अगर आपके पास एक रेशियो दे रखा है, अगर आपको एक रेशियो गिवन है तो बच्चा पार्टी आप जो है बाकी सारे रेशियोज फाइन कर सकते हैं। ओके, कैसे फाइन करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए बी सी मेरा ट्राइंगल कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इज दैट क्लियर? सो इफ एनी वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज गिवन टू यू, यू कैन फाइंड ऑल अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, बाकी सभी रेशियोज को मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। सो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। नाउ फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग पाकिस्तान को भूखा प्यासा बनाएंगे, पाकिस्तान को भूखा प्यासा करेंगे और हिंदुस्तान को हम लोग हरा भरा कर देंगे। यहाँ पर साइन कॉस, साइन कॉस टेन, अरे अब तो आपको भी याद हो गया कोट सेक एंड ये कोस सेक। ओके, नाउ साइन जो है वो मेरा किसके इक्वल होता है, साइन इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ ये मेरा बेस बन जाएगा ना, और ये मेरा हाइपोटेनस बनेगा और ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। सो साइन ए को बच्चा बाटी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, बी सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। तो मेरे पास ये आ गया कि बी सी अपॉन ए सी का जो वैल्यू है वो वन अपॉन थ्री आ गया, वन अपॉन थ्री आ गया। ओके, नाउ आपने रेशियो पढ़ा होगा कि अगर आपको दो क्वांटिटीज़ का रेशियो दे रखा है वन अपॉन थ्री कुछ, तो यहाँ से मैं क्या मान सकता हूँ कि बी सी को जो है बच्चों मैं यहाँ पर के मान लूँगा एंड ए सी जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, फिर थ्री के बन जाएगा। ये आप जानते हैं, आई थिंक सबको पता होगा कि अगर आपका मान लीजिए कोई रेशियो है, अगर आपके पास ये 2 अपॉन 5 है तो यहाँ पे आप L को मान सकते हो 2x एंड B को आप मान सकते हो 5x। ओके, बिकॉज आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो कॉमन फैक्टर है वो कट जाएगा, 2 अपॉन 5 ही बचेगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन राइट। नाउ ये बच्चों ट्राइंगल कैसा है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? यस। ओके,
सो हमेशा याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में एंड ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भर भर के यूज़ करने वाले हैं. ओके सो अब क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस एंड क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. इजेंट इट? यस. नाउ ए सी इज वॉट 3k, सो 3k का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इज वॉट, हमें फाइंड करना है. नहीं पता अभी, नहीं पता. बी सी इज के स्क्वायर, टन 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 टारा. 9k स्क्वायर इक्वल्स टू, 9k स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों यहां पर ए बी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा. नाउ ये वाले भाई साहब यहाँ जाएंगे तो बच्चों मेरे पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8k स्क्वायर आ जाएगी मेरे पास. यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8k स्क्वायर आ जाएगी. तो क्या फिर बच्चों मैं ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? ए बी विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 8k स्क्वायर. ओके नाउ इसका स्क्वायर रूट आप लोग लेना जानते ही होंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 2√2k. ओके प्लस माइनस 2√2k. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा. सो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल हम लोग एक्यूट एंगल पढ़ेंगे, 0 से 90 के बीच वाले एंगल्स पढ़ेंगे, है ना. एंड वहां पर सारे के सारे जो आपके रेशियोज होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो आपके पॉजिटिव होते हैं. सारे के सारे जो है वो आपको पॉजिटिव होते हैं. सो हम लोग नेगेटिव वाली की जो वैल्यू जो है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे तो मेरे पास ए बी का वैल्यू क्या आ गया, 2√2k आ गया. नेगेटिव वैल्यू को जो है आप लोग यहाँ पे क्लास 10th के लेवल में जो है उसको इग्नोर कर देना. सो देख लीजिए यहाँ पर ए बी क्या है मेरा बेस, तो बेस कितना आ गया, 2√2k जो है मेरा बेस आ गया. बी सी जो है, बी सी इज वॉट k, एंड ए सी क्या है मेरा 3k. ओके सो क्या किया मैंने, मैंने एक काम ये कर दिया कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस ट्राइंगल की सभी साइड्स को जो है वो हमने फाइंड कर लिया. क्लियर? अब मैं सारे रेशियो फाइंड कर सकता हूँ. ओके कैसे, कॉस, कॉस क्या है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड बेस इज वॉट 2√2k डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इज 3k, कैसे कट जाएगा तो मेरा रेशियो आ गया 2√2/3. क्लियर? नाउ टेन इज वॉट, टन 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 टारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा k है, डिवाइडेड बाई बेस हमारा 2√2k है, तो कैसे के कट जाएगा 1/2√2. फिर कोट ऑफ ए, सो माई डियर बच्चा पार्टी चाहो तो आप कोट को लिख दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर मैं जानता हूँ कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो इसका रेसिप्रोकल ये तो मेरा 2√2 हो जाएगा, या फिर आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर. ओके नाउ बाकी रेशियोज फाइंड कर लेते हैं फिर. सो कोट के बाद क्या आता है आपका, सेक ऑफ ए, तो चलो इस बार मैं इसको यूज कर लेता हूँ. हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, एंड योर हाइपोटेनस इज 3k डिवाइडेड बाय बेस क्या है 2√2k, कैसे के बाय बाय टाटा, ये बचा आपका 3/2√2. ऐसे ही कोसेक फाइंड कर लो बच्चों. कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, एंड साइन क्या था मेरा, साइन था मेरा 1/3, 1/3, सो दिस विल बी 3. ओके नाउ चाहो तो आप यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है आपका 3k अपॉन परपेंडिकुलर क्या आपका k, कैसे कटा ये आपका जो है वो 3 आ जाएगा. ओके सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर कि इफ एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन टू अस देन वी कैन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड देन वी विल यूज दिस
पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा रेशियोज़ को यूज़ करके हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड कर लेंगे. ओके, सो दिस वॉज योर लेक्चर नंबर 1 ऑन ट्रिग्नोमेट्री. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड आपने इस वीडियो को जो है एकदम लास्ट तक देखा होगा. तो अगर आप यहाँ लास्ट तक पहुँचे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें सो दैट इस चैनल का जो रीच है, ऑडियंस जो है, वो भी आपका इंक्रीज हो. सो मिलते हैं फिर कल हम लोग इस वीडियो के अगले वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद.